जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने रादौर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हिसार के आदमपुर से बीजेपी उम्मीदवार सोनाली फोगाट द्वारा जनसभा में लोगों को पाकिस्तानी कहे जाने पर बोलते हुए कहा कि हार की बौखलाहट का असर बीजेपी नेताओं में साफ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ही अब वे प्रदेश की जनता को भी पाकिस्तानी कहने लग गए हैं। मैं उनका धन्यवाद करूंगा और ऐसे व्यक्ति जिसने अपने जीवन में लट खाए, संघर्ष किया, आज उनको हमारे कैंडिडेट्स में कुछ अच्छाई दिख रही है, उनका समर्थन वो कर रहे हैं, उसके लिए तय दिल से उनका हम आभारी भी है। और हरियाणा की जनता से भी आग्रह करूंगा कि आप खुद समझो, देखो, बीजेपी का तो एक उद्देश्य है कि करोड़पतियों को टिकट दे दे। हमने तो एक टीचर, दो टीचर्स को दी है, एक छात्र को दी है, दो रिटायर्ड फौजियों को दी है, और एक ही लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे वर्ग के हर व्यक्ति को हम नेतृत्व का मौका दें और 90 की 90 सीटों पर जहाँ हमारे उम्मीदवार हैं मजबूती के साथ वो लड़ाई को लड़ने का काम करें। सर, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, वो कहते हैं एक तरफ तो वो गर्दन काटते हैं, दूसरे जो सोनाली फोगाट है उनकी प्रत्याशी वो पाकिस्तानी बताते हैं, क्या कहेंगे? खट्टर साहब तो दिन प्रतिदिन शायद आपा खोलते जा रहे हैं। पहले एक सेल्फी खींचते भाई को धक्का मार दिया, एक बुजुर्ग कोई काम लेके आए तो उसको कहा कि तेरे को उठा के बाहर फेंक दूंगा, फिर हर्षमोहन भारद्वाज जी की गर्दन पे फरसा रख के कह दिया तेरे गर्दन काट दूंगा, और उसका असर बीजेपी में दिखने को मिल गया। बीजेपी के उम्मीदवार अब कहने लगे आँखें निकाल लेंगे, मार देंगे, इस तरह की हरकत और लोगों को पाकिस्तानी बोलना, ये साफ साबित कर देता है कि हार जो है बीजेपी के दिखने लग चुके हैं। और अल्टरनेटिव उस परिवर्तन का जेजेपी, जनता मन बना चुकी है कि मजबूती से जेजेपी का साथ।